अच्छा वो ले गया आपका पैसा, कितना पैसा ले गया था आपने? 1.5 लाख रुपए। हाय गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ ये वीडियो, आप लोगों को पूरा स्किप मत करना, देखते रहना। अच्छा अच्छा वीडियो मिलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं दिखाने के लिए। आज ऐसा वीडियो लेके आया हूँ मैं, वो जैसा कि असम का लड़की है और बाहर में वो प्यार करते बोलते हैं ऐसा शादी बाहर जाके शादी करूँगा ये करूँगा बोल के वो घर से भी पैसा गहना ऐसा लेके आओ ऐसा बोल के बाहर में शादी करेंगे मंदिर में ऐसा बोल के लड़की को बहुत प्रोड करते हैं। बहुत वीडियो मिला में वीडियो में मिलने के लिए इसलिए वीडियो बनाए, आप लोग को भी देखते रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना। और ऐसा वीडियो आपके देखते रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल में, आप लोगों को मिलते रहेगा, इसलिए वीडियो स्किप मत करना, देखते रहना। और मैं बहुत ऐसे वीडियो नहीं बनाए क्योंकि बनाया मैं इतना प्रॉब्लम था इसलिए नहीं बनाया। और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को पूरा वीडियो मिल जाऊँगा मिलने वाला है। और मैं एक कथा कब विचार जाए आमार अखोमर स्वाली तो बाहर आए बाहर आने भल पाए भल पा तो भल इन भल पाँ बाहर गए मंदिर विमें कपड़ा गहना क्या पैसा पैसा लिखी इनके बहुत कह कह पीछे तो दौरा तक फ्रड कर मैं ठगे ठगी कि पैसा तो लै जाए तभी इको बोली कहने आम चीन आने क्या तो नए बहुत फ्रड दी पड़े अपना जो भल पाई तो भल्के जान लग लगे और मा देता हम मानने धोखा दी ना जा मा मा देता क्या शुनब लगे और इने भूल काम तो बृहस्पति नाभव भिडियो इमे मैं समाप्त कर भाई भिडियो भल बेप कमेंट जानको और मैं भल कमेंट मैं भिडियो नक भाग लाइक शेयर और जी दूर रखे शेयर करा अपना शेयर भिडियो तो इन चाय क्या हुआ खुल नहीं रहा गेट अपना क्या बोल रहे हो आप गेट नहीं खुल रहा आपका क्या हुआ है दिखाओ चाबी क्या हुआ खुल नहीं रहा है ये तो चाबी इसका है ही नहीं देखो ये लग नहीं रहा है तो है ही नहीं इसका चाबी नहीं है क्या आपके पास कहाँ से हो आप क्या बोल रहे हो आप तो थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को किधर से हो आप इधर से मुंबई से हो आसाम से हो तो ये किसका रूम खोल रहे हो आपका नहीं है क्या है कौन आपका घर वाले रहते हैं क्या इधर क्या बोल रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किसके साथ रहते हो इधर बंधु भाई दोस्त है आपके इधर रूम के अंदर है किधर है कौन चाबी दी आपको आपका दोस्त गेट खोलने के लिए पर तो ये तो चाबी है ना इसका दोस्त कहाँ है आपका हिंदी आता है आपको हिंदी थोड़ा थोड़ा नहीं आता है आपका भाषा तो मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा है मैंने देखा काफी टाइम से आप इधर सुबह मॉर्निंग से ही कल से हुआ आप इधर 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 बाहर ही हुआ वो दोस्त कहाँ गया आपका फिर नहीं है इधर तो कब आसाम से हो कब आए हो इधर अच्छा कल ही आए हो तो कहाँ कौन आपका दोस्त है या बॉयफ्रेंड है क्या है बॉयफ्रेंड है तो किधर गया आपको छोड़ के आपको पता नहीं है इधर आपके घर वाले हैं अकेले हो घर वाले नहीं हैं आसाम में रहते हैं आपके घर वाले तो बॉयफ्रेंड के साथ मतलब आए हो यहाँ पे क्या काम करने के लिए किस लिए आए हो
बिया मतलब शादी करने आए हो के? क्यों उधर शादी क्यों नहीं किया? आज मम्मी पापा नहीं मान रहे आपके, आपके या उसके? उसका मम्मी पापा नहीं मानता है तो इधर भाग के शादी करने के लिए आए हो क्या? अच्छा तो कहाँ गया शादी करना आपको? कैसे मंदिर में शादी करना है? कोर्ट मैरिज मंदिर में? तो गया कहाँ आपका दोस्त? मतलब सब चीज ले गया आपका वो? फोन नहीं लग रहा है उसका? आप जानते हो उसको पहले से? जानते थे? कितने दिन से रिलेशन में हो आप लोग? एक साल या एक महीने? एक साल। तो ये तो चाबी नहीं है आपको, आपको धोखा दिया क्या आपका बॉयफ्रेंड? आपके साथ चीट किया? वो चीट नहीं किया है? प्यार करता है आपसे? विश्वास है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा है। जो इंसान अगर आपसे प्यार करेगा वो आपको क्यों छोड़ेगा इधर? ये तो चाबी इसका नहीं, आप लगा के एक बार चेक करो, खोलो देखो, वो तो लग नहीं रहा है उसमें। उसका चाबी है ही नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। फ्रॉड किया हुआ आपके साथ? आपके साथ फ्रॉड हुआ इधर? इधर कोई नहीं है, सब जॉब करने जाते हैं। अकेले आप इधर ऐसे रहोगे तो कोई गलत सोचेगा आपके बारे में, ऐसा लगेगा कि ये हो सकता है या किसी और का घर हो। चाबी आपको दे दिया, आप खोलोगे कोई और आएगा तो वो आपको गलत सोचेगा, बोलेगा आप कोई चीज़ चोरी कर रहे हो या ऐसा। आप किसी को जानते हो इधर? मैं भी इधर नहीं आया हूँ, मैं भी इधर नहीं आया हूँ। मैंने देखा मेरे दोस्त इधर रहते हैं ना, वो पास वाले रूम में, और वो बाहर गए हैं, तो मैं देखा सुबह से आप इधर परेशान हो, इसलिए मैं आया आपके पास। अच्छा वो ले गया आपका पैसा? कितना पैसा ले गया था आपने? डेढ़ लाख रुपये? गहना भी? हाँ। किसका गहना था? हाँ। मम्मी का लेकर आए हो? आपका मम्मी को पता है ये सारी बातें? घर से चुपचाप आए हो, पर वो तो सारा सामान आपका ले लिया, अब क्या करोगे? हाँ? अरे रो क्यों रहे हो, सुनो इधर वो ले गया आपका सारा। आपके साथ वो कितनों लड़कियों के साथ भी ऐसा करता होगा, शायद आपको पता नहीं है। बहुत लड़के ऐसे ही करते हैं, लड़कियों को बात करते हैं, फंसा के लेके आते हैं, उसका पैसा वैसा लेके उसको छोड़ देते हैं। इधर अब किसी और को जानते हो? अरे रो क्यों रहे हो, सुनो इधर वो ले गया आपका सारा। आपके साथ वो कितनों लड़कियों के साथ भी ऐसा करता होगा, शायद आपको पता नहीं है। बहुत लड़के ऐसे ही करते हैं, लड़कियों को बात करते हैं, फंसा के लेके आते हैं, उसका पैसा वैसा लेके उसको छोड़ देते हैं। इधर अब किसी और को जानते हो? नहीं जानते हो? अच्छा कल ही आए हो? बताओ कैसे करोगे फिर? अब क्या क्या इशारा करो बताओ? कोई आपके रिलेटिव इधर आसपास में नहीं रहते हैं? कोई जानने वाले नहीं है? क्या करोगे फिर? अब घर जाओगे या जॉब करोगे इधर? कैसे क्या करोगे बताओ? घर वाले मारेंगे? हाँ घर वाले तो मारेंगे ही हैं। आप मम्मी से बिना पूछे आप उनका सारा सामान लेके आ गए, गहना लेके क्यों आया आपने? किसी और पे कैसे यकीन कर लिया वो प्यार करता था या नहीं करता था? शादी आपको उधर ही करना चाहिए था, मम्मी पापा से बोल के। नहीं नहीं आपको शादी उधर ही करना चाहिए था, पता है क्यों? घर वाले के अगर उनके घर वाले लड़के घर वाले आपके घर वाले सब लोग मिलकर शादी करते तो सही होता, घर पे आप रहते हैं, इधर आप भाग के आए हो तो कोई आपका साथ नहीं देगा इधर, समझ रहे हो? इधर लोग आपको गलत बोलेगा। अभी आप घर पे जाओगे मम्मी का गाना होना सब ले गए पैसे आपने, आप तो कमज़ोर कर लियो खुद को, उनको भी, आप अपने घर वाले को भी। वो लड़का भी आपसे शादी नहीं किया तो अभी क्या करोगे आप बताओ?
आप घर वाले से बात किए हो, बताए हो ये सारी बातें? नहीं बताए हो? बात करके बताओ कि ऐसा ऐसा हुआ आपके साथ। ठीक है, अच्छा अगर हम आपके घर वाले से बात करेंगे और उनको मनाएंगे, मैं आपको अगर देगा पैसा तो आप चले जाओगे घर अपने? ये इधर ना बहुत ये होता है, स्कैम होते रहते हैं ऐसे, तो आप एक काम करो, इधर रुको मत, आप अपने घर चले जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको 1.5 लाख रुपये देगा वो जो आपसे लेके गया, आप जाओगे घर? आधार कार्ड है आपके पास? आईडी, वोटर आईडी है ना? मैं आपको करता हूँ टिकट, आप चले जाओ उधर असम। असम के रहने वाले हो ना? किधर के रहने वाले हो? असम से बोला, किधर बोला आपने? असम से है ना? आपको पता है उधर जाने का रास्ता? नहीं पता है? मैं कर देगा आपको टिकट करके देगा मैं इधर, या मैं अपने दोस्त को बोलेगा वो आपको छोड़ के आएगा, है मेरे जाने वाले इधर, मैं कराता हूँ आपको। आ जाओ, एक काम करो, पहले आप चलो कुछ खाना खा लो। अरे मैं कुछ नहीं करूँगा आपके साथ गलत, आप सोचो ऐसा नहीं, वो चाबी इधर ही फेंक दो, वो कोई काम का नहीं है, या ले जाओ यादव के लिए, यादव में रखना कि हाँ किसने आपके साथ धोखा दिया था, फिर दोबारा ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना। चलो अब कुछ खाना खा लो, उसके बाद मैं आपका कराता हूँ टिकट, ठीक है? आ जाओ, डरो मत, आ जाओ, इधर बगल में ही है मेरा, उधर गेट में क्या देख रहे हो, वो थोड़े ना निकलेगा, वो तो इसका रूम है ही नहीं, फ्रॉड किया ना उन लोगों ने आपके साथ। आ जाओ टेंशन मत लो, मैं कराता हूँ आपका टिकट, ठीक है? क्या नाम क्या आपका? नैना। नैना टेंशन मत लो, मैं कराता हूँ आपका, ठीक है? आ जाओ।